एलआईसी की वो स्कीम जिसमें गारंटी के साथ मिलता है फायदा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की तरफ से एक ऐसी स्कीम, ऐसी योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ऑफर की जा रही है, जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। हाँ जी, आपकी पेंशन अमाउंट भी गारंटेड होगी, आपका रिटर्न भी गारंटेड होगा। इसमें आपको सालाना 7.66% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा यानी ब्याज दर मिलेगा। आइए जानते हैं इस पॉलिसी, इस योजना के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। सरकार ने मई महीने में ही वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMVVY भी कहते हैं, 3 साल यानी मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है, एक योजना है, जिसके तहत मासिक पेंशन मिलती है, मतलब मंथली पेंशन मिलती है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा, गारंटेड पेंशन मिलती है। यह स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसका फायदा उठाने के लिए मिनिमम एज 60 साल, मतलब कम से कम एज 60 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस स्कीम के तहत एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश कर सकता है। इसमें निवेश करने वाले लोगों को कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन और मैक्सिमम मतलब अधिकतम 1,11,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इस स्कीम में प्री मैच्योर्ड विड्रॉल और लोन लेने की भी सुविधा मिलती है। पॉलिसी होल्डर या उनके स्पाउस यानी पति या पत्नी को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी में प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकता है। हालांकि इसके तहत परचेस प्राइस का सिर्फ 98% सरेंडर वैल्यू ही वापस किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में 10 लाख रुपए जमा किए और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, यानी मतलब कोई बीमारी हो जाती है आपको या आपके स्पाउस को, आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आपको 9,80,000 रुपये ही मिलेंगे, 20,000 रुपये का आपको नुकसान झेलना होगा। हालांकि 3 साल बाद इस पॉलिसी के तहत लोन भी आप ले सकते हैं, लोन की सुविधा मिल जाती है, जिसमें लोन परचेस प्राइस के 75% तक मिल जाता है। अगर आप अपना प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं एलआईसी से, यहाँ पे आपको 75% मैक्सिमम 75% तक आपके अमाउंट पे लोन मिल जाता है। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में जमा किए थे तो यहाँ पे आपको 7,50,000, मैक्सिमम 7,50,000 रुपये का लोन मिल जाता है 10 लाख रुपये जमा करने पर, ठीक है ना, क्योंकि 10 लाख का 75% हो जाता है 7,50,000 रुपये। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना एक गारंटी पेंशन स्कीम है जो केवल सीनियर सिटीजन के लिए है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में आपको तुरंत पेंशन मिलती है। इसका मतलब है कि जब भी आप इस स्कीम में अपना पैसा जमा करेंगे उसके तुरंत बाद आपको आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में आपको एक इकट्ठा पैसा जमा करना होता है, जैसे आप एफडी में पैसा जमा करते हैं कि एफडी में आपको बार बार जमा नहीं करना होता, हर महीने जमा नहीं करना होता, आपको सिर्फ एक बार में ही जमा करना होता है एक अमाउंट, वैसे ही आपको प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में भी एक इकट्ठा पैसा जमा करना होगा। मैंने आपको बता दिया था ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक व्यक्ति 15 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं इस योजना में। इस स्कीम में पैसा जमा करने के बाद आपको एलआईसी को यह बताना होगा कि आप अपनी पेंशन हर महीने लेना चाहते हैं या हर 3 महीने बाद लेना चाहते हैं या हर 6 महीने बाद लेना चाहते हैं या हर 1 साल बाद अपनी पेंशन लेना चाहते हैं। आपको 10 साल तक पेंशन मिलती रहेगी और 10 साल बाद आपने जो पैसा जमा किया था प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में,
वह पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर पॉलिसी के बीच में ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी और जो पैसा पॉलिसी होल्डर ने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में जमा किया था वह पूरा पैसा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसलिए याद रखिए अपने नॉमिनी को जब आप फॉर्म भर रहे हैं ये पॉलिसी लेते हुए तो आपको अपने नॉमिनी का नाम मेंशन करना है, चाहे अपनी आप वाइफ का स्पाउस का करें या बच्चों का नाम लिखें, लेकिन नॉमिनी का नाम लिखना जरूरी है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में आपको कोई भी टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेरा मतलब है जैसे काफी सारे जगह इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स में ATC एक सेक्शन होता है वहाँ पे आपको छूट मिलती थी। तो आपको अगर आप इसमें जमा करते हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में तो आपको ATC में तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस स्कीम में आपको जो भी पेंशन अमाउंट मिलेगा चाहे मंथली मिले, क्वार्टरली मिले, हाफ ईयरली मिले या ईयरली मिले वह पूरी की पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स लगेगा। 10 साल बाद जब आपको आपका जमा पैसा मिलेगा उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस स्कीम में TDS नहीं काटा जाएगा, ये एक अच्छा पॉइंट है। बाकी जगह आपको कई जगह TDS काटा जाता है बैंक की तरफ से, यहाँ पे आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे 4 तरीके से अपनी पेंशन ले सकते हैं। इसको पेंशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आप अपनी पेंशन चाहे तो मंथली ले सकते हैं, आप चाहे तो क्वार्टरली ले सकते हैं, आप चाहे तो हाफ ईयरली ले सकते हैं, आप चाहे तो ईयरली ले सकते हैं। मंथली का मतलब हर महीने, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने बाद, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने बाद और ईयरली का मतलब होता है हर 1 साल बाद। सही ना? और तो अगर आप अपनी पेंशन हर महीने लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, तो आपको 7.40% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप अपनी पेंशन क्वार्टरली लेना चाहते हैं मतलब हर 3 महीने बाद लेना चाहते हैं तो आपको 7.45% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा पॉलिसी पे। अगर आप अपनी अपना पेंशन हाफ ईयरली लेना चाहते हैं मतलब हर 6 महीने बाद लेना चाहते हैं तो आपको 7.52% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप अपनी पेंशन ईयरली लेना चाहते हैं मतलब हर 1 साल बाद पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 7.66% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा इस पॉलिसी पर। अब बात कर लेते हैं कि कितना पैसा जमा करना है मिनिमम और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं इस पॉलिसी में। तो अगर आप अपनी पेंशन मंथली लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 1,62,162 रुपीज़ जमा कर सकते हैं, ये मिनिमम अमाउंट है। मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप अपनी पेंशन क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 1,61,074 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 14,89,933 रुपीज़ जमा कर सकते हैं। अगर आप अपनी पेंशन हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 1,59,574 रुपीज़ जमा कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 14,76,064 रुपीज़ जमा कर सकते हैं। अगर आप अपनी पेंशन ईयरली लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 1,56,658 रुपीज़ जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम जो आपके लिए लिमिट है वो है 14,49,086 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं कि कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी कितनी पेंशन मिलेगी। तो अगर आप मंथली पेंशन चाहते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन जो मिल सकती है वो मिलेगी आपको 1,000 रुपये और मैक्सिमम आपको 9,250 रुपये में मिलेगी। अगर आप अपनी पेंशन क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कम से कम 3,000 रुपये मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 27,750 रुपये मिलेंगे। अगर आप अपनी पेंशन हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 6,000 रुपये मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 55,500 रुपये मिलेंगे। अगर आप अपनी पेंशन ईयरली लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 12,000 रुपये मिलेंगे और मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,11,000 रुपये की पेंशन। ये पेंशन अमाउंट डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा जमा किया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट बताया था तो उसी के हिसाब से आपको आपकी पेंशन मिलेगी। यह पॉलिसी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को ऑनलाइन लेने के लिए आपको LIC की वेबसाइट पे जाना होगा। LIC की वेबसाइट पर जाके आप इस पॉलिसी को डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। LIC की वेबसाइट है www.licindia.in
और उसके बाद मैंने आपको प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना का जो वहाँ पे सेक्शन है उसका लिंक भी दे दिया है। अब ये दोनों लिंक या तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं या खुद से भी आप गूगल करेंगे तो भी आप जा सकते हैं। और अगर आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को किसी भी LIC एजेंट से ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9971291421। आप मुझे 11 सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक के बीच में कॉल कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे कंसल्टेशन फीस होगी अगर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करते हैं तो, उसका उसके लिए मैं आपके आपसे फीस चार्ज करूँगा। बहुत मिनिमम अमाउंट मैंने रखा है 500 रुपये। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।